वक्त कम है, समय कम है अपने पास। सागर प्रतिष्ठान की ओर से दो सलामी बल्लेबाज। दो सलामी बल्लेबाज रोहित और हरीश। केवल 13 रन का लक्ष्य रखा हुआ है 18 गेंदों में। एक आसान सा लक्ष्य है, इतना बड़ा टारगेट नहीं है। पहलूर के बाहर संभलेंगे मिस्टर, माल्या टीम की ओर से कुणाल स्ट्राइक पर है। मिस्टर हरीश नो स्ट्राइक पर। प्रणीत ईश्वर की पहली गेंद। ओहो जी हाँ, अच्छी गेंद यहां पर, चकमा खा गए यहां पर, कोई रन की गुंजाइश नहीं। अच्छे गेंदबाज माने जाते हैं बॉलर कुणाल, पहले नंबर के गेंदबाज है माले टीम के। डॉट बॉल निकालने होंगे, विकेट लेनी होगी, तभी जीत के हौसले बुलंद हो सकते हैं। एक एक डॉट बॉल महत्वपूर्ण है। ईश्वर की अगली गेंद, क्या बढ़िया गेंदबाजी, 110 प्रति घंटे रफ्तार की गेंद डालते हैं, तेज रफ्तार के गेंदबाज है मिस्टर कुणाल। अच्छा बॉलर का इस्तेमाल कर चुकी है माल्या टीम, विकेट लेना जरूरी है। क्या बेहतरीन गेंदबाजी यहां पर, सही लेंथ लाइन के साथ गेंदबाजी कर रहा है। और एक क्लीन बॉल गॉन, महेश गोन बिना खाता खोले वापस लौट पड़े बैक टू पेविलियन। महेश क्लीन बॉल हो चुके हैं, पहला झटका मिल चुका है सागर प्रतिष्ठान टीम को और पहली सफलता मिल चुकी है कुणाल द्वारा माल्य टीम को। लक्ष्य इतना ज्यादा नहीं है, इतना बड़ा टारगेट नहीं है, 13 रन का लक्ष्य रखा हुआ है। एक दो विकेट और गिरेगी तो यह मैच रोमांचकारी दौर में जा सकती है। एक दो विकेट चाहिए तभी कमबैक कर सकती है माल्या टीम। इस मैच में कमबैक करना है तो विकेट लेना जरूरी है। नए बल्लेबाज न्यू बैट्समैन प्रेम, क्या जबरदस्त गेंदबाजी यहां पर बॉलर कुणाल द्वारा। ओ हल्का सा कट गया, समझदारी के साथ खेल शॉट खेल चुके हैं। प्रेम को पता है बड़े स्ट्रोक खेलने की जरूरत नहीं है, एक दो रन बटोरेंगे तभी यह मैच आराम से जीत हासिल करेगी सागर प्रतिष्ठान टीम। बड़े स्ट्रोक खेलने की जरूरत नहीं है, 13 रन का लक्ष्य है 18 गेंदों में। समझदारी के साथ ही शॉट खेल चुके हैं प्रेम, एक रन चुरा लिया, स्कोर बढ़ता हुआ स्कोर हो चुका है एक रन से खाता खोल चुके हैं। ओहो ये 4 रन, कोई मौका नहीं किसी के लड़के पास, गेंद गेंद सीधे यहां पर सीमा रेखा पार, ये क्लासिकल शॉट, गैप शॉट, सही शॉट है यहां पर बल्लेबाज प्रणीत द्वारा। इस शॉट को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में कारपेट शॉट कहते हैं, जमीन के सारे से खेलता है शॉट।
स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर बढ़ता हुआ स्कोर हो चुका है 5 रन। अच्छी बल्लेबाजी, आक्रामक बल्लेबाजी प्रणीत द्वारा। ओहो जी हाँ, क्या बढ़िया अच्छी गेंदबाजी। एक ओवर के समाप्ति के बाद, एक विकेट के नुकसान के बाद स्कोर हो चुका है 5 रन। अभी 12 गेंदे और 8 रन चाहिए। एक दो विकेट गिरेगी तो यह मैच देखने के लिए मजा आ जाएगी। इस मैच की सेलिब्रेशन करते हुए रामबाबू दुदाले नगर सेवक, इस मैच की सेलिब्रेशन करते हुए हमारी खास मेहमान है। दूसरे के बाहर संभालेंगे मिस्टर रोहित, स्ट्राइक पर है मिस्टर प्रेम। 12 गेंदे 8 रन। दूसरे के पहली गेंद लेकर जा रहा है मिस्टर रोहित दलवी। चारों तरफ से खचाखच भरा और स्टेडियम, स्टेडियम के बाहर आप देख सकते हैं कितने दर्शक मौजूद हो चुके हैं। 12 गेंदे 8 रन। इस ओवर की पहली गेंद, जबरदस्त शॉट यहां पर, खिलाड़ी तैनात, एक रन चुरा लिया। दूसरे का प्रयोग यहां पर, कहा बेहतरीन फील्डिंग यहां पर दूसरे का प्रयोग। यहां पर जितनी कड़क शॉट उतनी कड़क फील्डिंग हो रही है। एक रन पे संतुष्ट मानना पड़ा यहां पर। एक रन की बढ़ोतरी, स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर बढ़ता हुआ स्कोर हो चुका है 1 विकेट के नुकसान के बाद 6 रन। प्रणीत क्या खूबसूरत शॉट यहां पर, कोई मौका नहीं किसी खिलाड़ी के पास। गेंद गई सीधे यहां पर सीमा रेखा पार, 4 रन। ये डबल जंप पर चौका, क्या खूबसूरत शॉट लगाया प्रणीत ने। क्लासिकल शॉट था, इस समय ताकत का कम इस्तेमाल, दिमाग का ज्यादा इस्तेमाल किया। गेंद गई सीधे यहां पर सीमा रेखा पार, 4 रन। स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर बढ़ता हुआ स्कोर हो चुका है 10 रन। केवल 3 रन चाहिए, औपचारिकता बाकी है इस मैच की। कई देर बाद इस मुकाबले के नतीजे स्पष्ट हो गए, जीत के करीब यहां पर सागर प्रतिष्ठान टीम। एक तरफा संघर्ष है, कोई रोमांच नहीं है इस मैच में। हमारे दर्शक यहां पर रोमांचकारी मुकाबले देखना चाहते हैं। एक तरफा संघर्ष चल रहा, 3 रन की जरूरत है। आड़े तेड़े शॉट खेलने की कोशिश यहां पर, कई देर बाद इस मुकाबले के नतीजे स्पष्ट हो गए, जीत के करीब जा रही सागर प्रतिष्ठान टीम। पकड़ा भारी हो चुका है सागर प्रतिष्ठान टीम का। हल्का सा कट किया, एक ही रन पर संतुष्ट मानना होगा। 2 रन की जरूरत यहां पर केवल। कई देर बाद नतीजे के, मैच के नतीजे स्पष्ट हो गए, जीत के करीब यहां पर सागर प्रतिष्ठान टीम। हर का सामना करना पड़ रहा है माल्य टीम को। ये मैच विनर और ये स्ट्रोक 4 रन के लिए। नाणेफेकीसाठी मी आमंत्रित करतो रामभाऊ दुधाले यांना। आपल्या शुभ हस्ते नाणेफेकी करायचे फायनलचा सामना, ग्रँड फिनाले, जो दिलचस्प मुकाबला होगा।
बागेश्वरी संभाजीनगर बी संघाची लड़त होईल सागर प्रतिष्ठान संघाशी। या सामन्याचा मॅन ऑफ द मॅचचा मानकरी ठरलाय तो प्रेम मॅन ऑफ द मॅच। रामभाऊ दुधुलेंना विनंती करतो की आपला शुभ असते मॅन ऑफ द मॅच या ठिकाणी सन्मानित करायचं आहे तर प्रेम याला। किरण दलवी यांचं आगमन झालेलं आहे। तीन ओवर का मुकाबला होगा जो फाइनल का मुकाबला होगा। युवा नगर सेवक रामभाऊ दुधल यांच्या शुभ हस्ते सन्मानित केलं जात आहे प्रेमाला धन्यवाद। दोन्ही संघाचे संघनायक सागर प्रतिष्ठानचे संघनायक नाणेफेकीसाठी जल से जल में स्टार्ट कीजिए अंपायर वक्त कम है समय कम है। बागेश्वर टीम ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला कर चुके हैं। सागर प्रतिष्ठान टीम को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया है बागेश्वरी टीम ने। बागेश्वरी संघाचे आइकॉन असतील साहिल शेख आणि रायल शेख भिवंडी। जो फाइनल का मुकाबला जो दिलचस्प मुकाबला होगा दोनों टीमों के बीच में फाइनल का मुकाबला कौन बनेगा इस टूर्नामेंट का विजेता। इस मैच के दौरान हम पर रहेंगे संदीप खाटेकर और स्वप्निल पोटे। आज का दिन का आखिरी मुकाबला अंतिम मुकाबला फाइनल का मुकाबला राहिल शेख स्ट्राइक पर मिस्टर प्रेम ना स्ट्राइक पर मिस्टर
प्रणीत। पहली की पहली गेंद लेकर जा रहा है मिस्टर प्रेम के लिए। इस ओवर की पहली गेंद, अच्छी स्ट्रोक यहां पर, जब तक गेंद हाथ में जब तक फील्ड करे, क्या बढ़िया फील्डिंग यहां पर। अको में इशारा किया, तीन रन चुरा लिया, तीन रन से खाता खोल चुकी है सागर प्रतिष्ठान। 11 राइल टू मिस्टर प्रणीत। ईश्वर की अगली गेंद, हल्का सा कट किया, आंखों को बेशर के एक रन चुरा के लिए, एक रन की बढ़ोतरी, स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर बढ़ता हुआ स्कोर हो चुका है 4 रन। आज के दिन में दर्शकों की कितनी भीड़ उमड़ रही है, इस समय पाव रखने के लिए जगह नहीं, चारों तरफ से खचाखच भरा स्टेडियम। आज का दिन का अंतिम मुकाबला, फाइनल का मुकाबला, सागर प्रतिष्ठान वर्सेस बागेश्वरी संभाजीनगर बी टीम के बीच में है, फाइनल का मुकाबला चल रहा है। ईश्वर का अगली गेंद, ओहो जी हां, क्या बढ़िया गेंदबाजी यहां पर, अच्छी गेंदबाजी यहां पर राहिल शेख द्वारा। कोई हाथ खोलने का मौका नहीं दे पा रहा है इस समय बल्लेबाज को, कोई चांस नहीं देना चाहते हैं बॉलर बैट्समैन को। अरे आउट, गॉन फ्रेम, गॉन, बल्ले का किनारी हिस्सा लगा था, बल्ले को चुमा लिया था, गेंद ने किस किया था और पहला झटका मिल चुका है इस समय सागर प्रतिष्ठान टीम को प्रेम द्वारा। पहली सफलता मिल चुकी है बागेश्वरी संभाजीनगर टीम को और पहला झटका मिल चुका है सागर प्रतिष्ठान टीम को प्रेम द्वारा। नेक्स्ट बल्लेबाज करण, तीन रन बनाकर आउट हो चुके हैं प्रेम। नए बल्लेबाज करण, हट्टे कट्टे बल्लेबाज सागर प्रतिष्ठान टीम के। किरण जी दलवी एनी व्यासपीठ वरती आए, सही गेंदबाजी का प्रदर्शन यहां पर बॉलर राहिल शेख द्वारा। स्ट्राइक पर आ चुके हट्टे कट्टे बल्लेबाज, राइट हैंड बल्लेबाज करण। नेक्स्ट बॉल टू गो, ओहो जी हाँ, गुड लाइन गेंदबाजी, सही टप्पा, सही लेंथ लाइन, सही दिशा देते समय बॉलिंग को बॉलर साहिल शेख, राहिल शेख, जबरदस्त गेंदबाजी का प्रदर्शन, सही गेंदबाजी, सही लेंथ लाइन, सही टप्पा, स्टंप टू स्टंप गेंदबाजी यहां पर राहिल शेख द्वारा। गेंद हमें और ये झटका इस समय, दूसरा झटका सागर प्रतिष्ठान टीम को करण द्वारा। क्या बढ़िया गेंदबाजी इस समय राहिल शेख द्वारा। दूसरी सफलता मिल चुकी है बागेश्वरी संभाजीनगर टीम को करण द्वारा और दूसरा झटका मिल चुका है सागर प्रतिष्ठान टीम को करण द्वारा। बैक टू पेवलियन करण, वापिस लौट पड़े अपने पेवलियन में। फुल टॉस डिलीवरी थी यहां पर, कैच आउट हो चुके हैं, बिना खाता खोले वापिस लौट पड़े अपने पेवलियन में करण। खराब शॉट खेला था करण ने। नए बल्लेबाज आकाश, आकाश मात्रे,
एक ओवर के समाप्त के बाद स्कोर हो चुका है केवल 4 रन, 2 विकेट लेकर 4 रन दे चुके हैं। क्या बेहतरीन गेंदबाजी की राहिल शेख ने, 2 विकेट चटकाए, लाजवाब गेंदबाजी की राहिल शेख ने। दूसरे ओवर के बाहर समाएंगे मिस्टर कुणाल वड़ावले, स्ट्राइक पर है मिस्टर प्रणीत, नॉन स्ट्राइक पर मिस्टर आकाश। अगेन हमें इस समय और एक और झटका इस समय। जर हॅट्रिक घेतली तर अमोलजी कतोरे यांच्याकडून 501 रुपयाचं पारितोषिक। शेखरजी देशमुख यांचं देखील आगमन झालेलं आहे। पहिली गेंद पर विकेट ले चुके हैं बॉलर कुणाल वडवली। जाने माने गेंदबाज माने जाते कुणाल वडवली। नेक्स्ट प्लेयर न्यू बैट्समैन मयूर दिनकर, स्ट्राइक पर है मिस्टर आकाश। हो जी हाँ, अच्छी गेंद यहां पर, गुड लाइन गेंदबाजी। कोई हाथ खोलने का मौका ना दे पा रहा है, कोई चांस नहीं देना चाहते। चकमा खा गए बल्लेबाज आकाश, कोई रन की गुंजाइश नहीं। सही गेंदबाजी कुणाल वड़वड़े द्वारा, पलटा डिलीवरी, खिलाड़ी तैनात, 1 रन चुरा लिया, 2 रन का प्रयोग, 1 रन पे संतुष्ट मानना होगा। बागेश्वरी संभाजी नगर टीम के सभी दर्शक यहां पर, समर्थक सपोर्टर खुशहाली के साथ यहां पर सेलिब्रेशन कर रहा है। ये घरेलू टीम है संभाजी नगर बागेश्वरी टीम। नेक्स्ट बॉल मयूर के लिए, कुणाल टू मयूर, शॉट डिलीवरी फुल किया, गेन हाउ में इस समय। केवल 5 रन, अच्छी गेंद यहां पर, क्या बढ़िया गेंदबाजी कर रहा है इस समय कुणाल वड़वले। जबरदस्त गेंदबाजी हो रही है कुणाल द्वारा, कोई चांस नहीं देना चाहते बल्लेबाज को। सूर मिल चुका है गेंदबाजी का कुणाल को, लेंथ लाइन क्या बढ़िया डाल रहे हैं इस समय कुणाल। गेंद मेरे ख्याल से वाइड होगी, अब स्टंप के काफी दूर थी, थोड़ी सी बाहर डाली थी कुणाल ने, दिशा थोड़ी भटक रही है बॉलर कुणाल की। एक अतिरिक्त रन, स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर बढ़ता हुआ 6 रन, स्कोर में बढ़ोतरी नहीं है, स्कोर थमा हुआ, स्कोर रुका हुआ, स्कोर केवल हो चुका है 6 रन। और ये रन आउट, एक और झटका। हेलो,
दो ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर हो चुका है 5 विकेट के नुकसान के बाद केवल 6 रन। पहले ओवर में आए थे 4 रन, दूसरे ओवर में केवल 2 रन दे चुके हैं 2 विकेट लेकर कुणाल। क्या लाजवाब गेंदबाजी की कुणाल ने। तीसरे ओवर के बाहर संभालेंगे मिस्टर अनिकेत। सचिन जी मलपेकर, कुणाल सचिन मलपेकर यांचं देखील या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे। तिसरे के बार संभालेंगे मिस्टर अनिकेत। स्ट्राइक पर है मिस्टर लेफ्ट हैंड बल्लेबाज हरीश, नॉन स्ट्राइक पर मिस्टर सौरभ। तीसरी ओवर की पहली गेंद लेकर जा रहा है मिस्टर अनिकेत। डायरेक्ट हिट करना चाहते थे यहां पर, करीबी मामला बन सकता था। आंखों को में इशारा किया 1 रन छुड़ा के लिए, 1 रन की बढ़ोतरी स्कोर में, बढ़ोतरी स्कोर बढ़ता हुआ स्कोर हो चुका है 7 रन। 13 गेंदों का सामना किया है, स्कोर हो चुका है केवल 7 रन। 5 झटके मिल चुके हैं, 5 विकेटें खो चुकी है सागर प्रतिष्ठान टीम। बहुत ही खराब परिस्थिति यहां पर, गंभीर परिस्थिति निर्माण हो चुकी है। स्कोर में उच्चांक नहीं है, स्कोर में नीचांक है। धीमी गति का स्कोर चल रहा। गेंद होने और ये गेंद, अरे क्या बढ़िया फील्डिंग यहां पर, क्या जबरदस्त फील्ड यहां पर, 6 रन बचा लिया। साहिल शेख, आपको ये रिप्ले देखना है तो आप शाम 7 बजे स्टार स्पोर्ट्स पर देख सकते हैं ये रिप्ले। 7 बजे देख सकते हैं, हमारे दर्शक रिप्ले देखना चाहते हैं। ओहो जी अगेन हाउ मेलर टू इस समय, और ये आउट गॉन, एक और झटका। कितनी गंभीर परिस्थिति निर्माण हो चुकी है। बागेश्वरी समाज निगर टीम के सभी सपोर्टर यहां पर सेलिब्रेशन करते हुए, विकेट एंट्री साठी 501 रुपयाचा पारितोषिक शेखर देशमुख यांच्याकडून। विशाल कार्ले यांच्याकडून देखील हॅट्रिक घेतली तर शॉट डिलिव्हरी फुल किया, ये 6 रन के लिए सुल्तानी तुपानी चक्का। सुपर मैक्सिमम चक्का इस समय, ये ताबड़तोड़ चक्का। हरीश या इसे बल्लेबाज को पहला भेजना चाहिए था, टीम के कप्तान ने एक बड़ी गलती कर चुके हैं। ऐसे बल्लेबाज की जरूरत रही थी हर टीम को। स्कोर बढ़ता हुआ स्कोर हो चुका है 15 रन, इसी ओवर की 2 गेंदे शेष। हरीश, मैं पहले से बोल चुका है लेफ्ट हैंड बल्लेबाज काफी स्फोटक रहते हैं, घातक रहते हैं। इस ओवर की 5वीं गेंद तैयार इस समय हरीश। अच्छी गेंद यहां पर, कोई रन की गुंजाइश नहीं। ईश्वर का आखिरी गेंद हरीश के लिए, गेंद हवा में लेते हुए इस समय खिलाड़ी नीचे, और ये झटका, एक और झटका। 3 ओवर के समाप्ति के बाद 7 विकेट के नुकसान के बाद स्कोर हो चुका है केवल 15 रन, अभी 16 रन।
ईश्वरी संभाजी नगर टीम में आज जीत जाएगी तो एक बड़ा जश्न होगा, रात को एक बड़ा जश्न होगा। जो घरेलू टीम है बागेश्वरी संभाजी नगर टीम, फाइनल का मुकाबला है। अठारह गेंदे 16 रन की जरूरत। अठारह गेंदे 16 रन की जरूरत। यहां पर तीन ओवर का मुकाबला है, एक अच्छा बॉलर का इस्तेमाल करना होगा यहां पर सागर प्रतिष्ठान टीम को। विकेट लेना जरूरी है, विकेट टेकिंग बॉलर का इस्तेमाल करना होगा, विकेट लेना जरूरी है, एक एक डॉट बॉल निकलना जरूरी है, एक एक रन इंपॉर्टेंट होगी। पैर के बाहर संभालेंगे मिस्टर संदेश मात्रे, काफी जबरदस्त गेंदबाज माने जाते हैं। हाँ बढ़िया गेंदबाजी, पहली गेंद डॉट, साहिल शेख स्ट्राइक पर, ना स्ट्राइक पर गणेश खंडाकले। अभी 17 गेंदे 16 रन। हल्का सा कट किया यहां पर खिलाड़ी तैनात, एक रन पर संतुष्ट मानना होगा। बढ़िया गेंदबाजी यहां पर संदेश मात्रे द्वारा, एक रन से खाता खोल चुकी है, एक दो विकेट जाएंगे तो ये मैच देखने के लिए मजा आ जाएगी। कमबैक कर सकती है सागर प्रतिष्ठान टीम, विकेट लेना जरूरी है। ओ जी हाँ, क्या बढ़िया गेंदबाजी यहां पर, बल्ला ऊपर से गया था, गेंद नीचे से निकल पड़ी, यहां पर चकमा खा गए बल्लेबाज गणेश खंडाकले। सही लेंथ लाइन सही दिशा देते समय अपने गेंद को बॉल संदेश मात्रे, विकेट टेकिंग बॉलर है, विकेट लेने की क्षमता इस गेंदबाज के पास है, कई विकेट उसके नाम पर है, अच्छे गेंदबाज माने जाते हैं संदेश मात्रे। क्या बढ़िया गेंदबाजी हो रही है, कोई चांस नहीं देना चाहते, कोई मौका नहीं देना चाहते बैट्समैन को। चार गेंदों में केवल एक रन दे चुके हैं, पहली गेंद डॉट, दूसरी गेंद एक रन, तीसरी गेंद डॉट, चौथी गेंद डॉट, दूसरी गेंद पर एक रन आई थी, चार गेंदों में एक रन दे चुके केवल। बढ़िया गेंदबाजी हो रही है, सुर मिल चुका है गेंदबाजी का बोलो संदेश को। गेंद हाँ में समय, खिलाड़ी नीचे, अरे कैच आउट गॉन, पहला झटका बागेश्वरी संभाजी नगर टीम को। बैक टू पैवेलियन गणेश खंडाकले, वापिस लौट पड़े अपने पैवेलियन में, ऊपर से खेलने की कोशिश की थी, यहां पर गेंद हाँ में गई थी, खराब शॉट खेल चुके हैं गणेश खंडाकले। अभी 13 गेंदे और 15 रन चाहिए इस ओवर के आखिरी गेंद शेष। 5 गेंदों में एक रन देके एक विकेट ले चुके संदेश मात्रे, क्या बढ़िया गेंदबाजी, लाजवाब गेंदबाजी, बेहतरीन गेंदबाजी। नेक्स्ट बल्लेबाज प्रसाद दिनकर, वे अच्छे बल्लेबाज माने जाते हैं बागेश्वरी संभाजी नगर टीम के। अभी 13 गेंदे 15 रन चाहिए, स्ट्राइक पर है साहिल शेख। सभी दर्शकों की नजर इस मैच पर, सभी दर्शक इस मैच की मजा लूटते हुए
आज का दिन का आखिरी संघर्ष, आखिरी मुकाबला, अंतिम मुकाबला, फाइनल का मुकाबला, इस ओवर का आखिरी गेंद। और ये वाइड बॉल, एक अतिरिक्त रन, दिशा थोड़ी भटक रही है, दिशाहीन गेंदबाजी, और स्टंप के काफी दूर थी गेंद यहां पर, एक अतिरिक्त रन, वाइड बॉल, सही इशारा करते से मैं अंपायर स्वप्निल पोटे, जो जाने माने अंपायर टेनिस क्रिकेट के, स्वप्निल पोटे, स्वेर लेग अंपायर संदीप खाटेगरे, हल्का सा कट किया यहां पर, खिलाड़ी तैनात, एक रन पे संतुष्ट माना। एक ओवर के समाप्ति के बाद, एक विकेट के नुकसान के बाद स्कोर हो चुका है 3 रन, अभी 12 गेंदे और 13 रन की जरूरत। क्या बढ़िया गेंदबाजी की संदेश मात्रे ने, केवल एक विकेट लेकर 3 रन दे चुके, 3 रन खर्च किए, सही गेंदबाजी की, एक अच्छा बॉलर का इस्तेमाल करना होगा सागर प्रतिष्ठान टीम को, अच्छी प्लानिंग करनी होगी कप्तान को, एक एक डॉट बॉल महत्वपूर्ण है, एक एक विकेट महत्वपूर्ण है, एक एक रन इंपॉर्टेंट है, एक एक गेंद इंपॉर्टेंट है, दूसरे की बार संभालेंगे मिस्टर प्रेम, ऊंचे कद के गेंदबाज हैं, ऑलराउंडर खिलाड़ी है, जितनी जबरदस्त गेंदबाजी करते हैं उतनी जबरदस्त बल्लेबाजी भी करते हैं प्रेम, खुद टीम के कप्तान हैं, कप्तान होते हैं तो कप्तान की एक बड़ी जिम्मेदारी रहती है, ये जिम्मेदारी तो निभानी होगी प्रेम को। दूसरे के पहली गेंद स्ट्राइक पर मिस्टर साहिल शेख, रिवर्स शॉट, और ये करीबी मामला बन सकता था, रिवर्स शॉट खेलना इतना आसान नहीं होता हर बल्लेबाज को, ये दिमाग का शॉट होता है, इस शॉट खेलने के लिए दिमाग चलाना पड़ता है, दिमाग की बत्ती चलाना पड़ता है, यहां पर जो डॉट हो चुके हैं साहिल शेख, नेक्स्ट बॉल, और ये भी डिविलियर्स का शॉट है, 1 बाउंस 2 बाउंस, अरे ऐसा लग रहा था डायरेक्ट हिट, और ये आउट, गॉन, प्रसाद दिनकर गॉन। दूसरा झटका मिल चुका है प्रसाद दिनकर द्वारा बागेश्वरी संभाजीनगर टीम को, जब तक साहिल शेख है तब तक यहां पर हौसले बुलंद रहेंगे बागेश्वरी संभाजीनगर टीम के, नेक्स्ट बल्लेबाज राहिल शेख, यही गेंदबाज ने जबरदस्त गेंदबाजी की थी, जितने जबरदस्त गेंदबाज है उतनी जबरदस्त बल्लेबाजी भी करते हैं राहिल शेख, नेक्स्ट, तो नॉन स्ट्राइक पर साहिल शेख, यहां पर विकेट की तलाश करनी होगी सागर प्रतिष्ठान टीम के बॉलर्स को, नेक्स्ट बॉल टू गो राहिल शेख के लिए, हल्का सा कट किया, अच्छी कॉलिंग रन बिटवीन द विकेट, अको को में इशारा किया, 1 रन का इजाफा, स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर बढ़ता हुआ स्कोर हो चुका है 6 रन। एक दूसरे को कान मंत्र देते समय साहिल शेख और राहिल शेख एक दूसरे को कान मंत्र देते हैं कि भाई यहां पर बड़े स्ट्रोक खेलने की जरूरत नहीं है, समझदारी के साथ खेलना होगा, अच्छी प्लानिंग करनी होगी। ओहो, ये गुड लाइन गेंद है, होम है, एक जोरदार अपील, हंपायर के मन में कुछ शंका नहीं थी, हंपायर के ऊपर प्रेशर बढ़ाने चाहती है सागर प्रतिष्ठान टीम, स्वेर लेगा हंपायर संदीप खाटेगरे, अच्छे हंपायर माने जाते हैं टेनिस क्रिकेट के, सही गेंदबाजी, डॉट बॉल, नेक्स्ट बॉल टू गो प्रेम टू मिस्टर साहिल शेख, हल्का सा कट किया, इस समय करीबी मामला बन सकता है, डायरेक्ट हिट करना चाहते थे यहां पर, अच्छी कॉलिंग रनिंग बिटवीन द विकेट, यहां पर 1 रन की बढ़ोतरी, 1 रन का इजाफा, स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर बढ़ता हुआ स्कोर हो चुका है 7 रन, और भी 9 रन चाहिए, 7 गेंदे 7 रन, 9 रन, 7 गेंदों में 9 रन की जरूरत यहां पर, रोमांचकारी मुकाबला,
गेंद हाँ में यहां पर, क्या बढ़िया कैच कलेक्ट किया, कोणी बोलायचं नाही, पंचा निर्णय देतील। छह रन बचा लिया, क्या जबरदस्त फील की थी यहां पर, छह रन थे ऐसा लग रहा था, जबरदस्त यहां पर कोशिश की, जबरदस्त प्रयास, नहीं तो छह रन हो सकते थे। पंच दावा की थी, पंच दावा की थी, दौर के समाप्ति के बाद दो विकेट के नुकसान के बाद स्कोर हो चुका है। दोनों टीमों को नॉट आउट, थर्ड अंपायर दौर के समाप्ति के बाद दो विकेट के नुकसान के बाद स्कोर हो चुका है। पंच दावा की थी, दो रन, तीन तीन रन, दो रन स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर बढ़ता हुआ दौर के समाप्ति के बाद दो विकेट के नुकसान के बाद स्कोर हो चुका है नौ रन। अभी छह गेंदे और सात रन चाहिए, क्या बढ़िया गेंदबाजी कर चुके हैं दोनों गेंदबाज संदेश मात्रे और प्रेम। दो ओवर में केवल नौ रन आ चुके हैं, अभी छह गेंद सात रन चाहिए। स्ट्राइक पर है मिस्टर साहिल शेख, नॉन स्ट्राइक पर मिस्टर राहिल शेख, तीसरे के बाहर संभालेंगे मिस्टर सौरभ। कंपल्सरी चेसिंग करनी होगी, ईश्वर के पहली गेंद स्ट्राइक पर साहिल शेख, छह गेंदे सात रन की जरूरत, अच्छी गेंद यहां पर, क्या बढ़िया गेंदबाजी का डिपार्टमेंट है सागर प्रतिष्ठान टीम का। सभी गेंदबाजों ने आज के दिन में कितनी बढ़िया गेंदबाजी कर चुके हैं, कोई चांस नहीं देना चाहते बैट्समैन को, सही लेंथ लाइन सही दिशा देते समय बॉलर सौरभ, अभी पांच गेंदे सात रन चाहिए, सही गेंदबाजी का प्रदर्शन यहां पर बॉलर सौरभ द्वारा। जमीन के सारे से खेला शॉट, जब तक गेंद हाथ में जब तक फील करे, और ये मिस फील्डिंग, स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर बढ़ता हुआ 11 रन, अभी चार गेंदे पांच रन। सभी दर्शकों की नजर इस मैच पर है, कौन जीतेगा कौन हारेगा,
आखिरी गेंद ही बताएगी, आखिरी गेंद आखिरी सांस होगी इस मैच की। चार गेंदे पांच रन की जरूरत। नेक्स्ट बॉल टू गो, हल्का सा कट किया, एक ही रन पर संतुष्ट मानना होगा। अभी तीन गेंदे चार रन, तीन गेंदे चार रन। तीन गेंदे चार रन की जरूरत। प्रेशर बढ़ता हुआ, जितना प्रेशर बल्लेबाज के ऊपर है उतना ही प्रेशर गेंदबाज के ऊपर भी है। और ये छह रन, मैच विनर्स को यहां पर विजय संघाचा अभिनंदन, परबोध संघाचा कौतुक, धन्यवाद।